फिर भी मेरा बॉयफ्रेंड कौन सा है। और मैं जब बकरी को चराने जाता था, भाई तू आके मेरे जेब, ये सब भी मैंने। हाय हाय सर, क्या एंट्री मारी बेटा, नाम क्या है? मेरा नाम है भेलू, और पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो देखिए। हेलो इंडिया, नमस्ते। मेरा नाम है भेलू और मैं एक छोटा सा गांव में रहता हूँ, और मुझे बचपन से ही सिंगिंग का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और बहुत अच्छा भी गाता था। मुझे माँ मारती थी तो मैं गाना गाता था, और गाना गाता था तो पापा मारते थे मुझे। और एक दिन मेरा दोस्त ने मुझे एक सलाह दिया कि अरे ओ भेलू, इधर में आ। अरे छोटा, कैसा है तू? ठीक हूँ, कुछ कम था क्या? हाँ, तुझे एक सलाह देना था। हाँ, क्या बोलना? देख, यहाँ पर गांव में इधर उधर गाना गा के कुछ फायदा ही नहीं है, तो क्या बोलना? वो भी मैंने एक शो देखा है, इंडियन आइडल शो, जहाँ पर सिंगिंग का शो चलता है, और वहाँ पर तू जाके अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकता है, इंडिया को दिखा सकता है। वहाँ पर क्यों नहीं जाता तू? नहीं जाऊंगा रे, मुझे किसी को भी टैलेंट नहीं दिखाना है, मेरे अंदर टैलेंट घुट घुट के भरा है। क्या, किसको दिखाऊं? अरे जाना यार, तेरे भविष्य में बहुत अच्छा होगा, भविष्य तेरा सुंदर सुशील, क्या वो जो भी होगा होगा, अच्छा होगा। नहीं नहीं नहीं, अरे सुन सुन, वहाँ पर एक लड़की भी है जजेस। क्या लड़की? सच्ची में? हाँ, कौन है? नेहा काकर, पलना 12 लड़के साथ फिर भी मेरा बॉयफ्रेंड कौन सा है? वही लड़की। तो मैं जरूर जाऊंगा रे। हाँ, जाना चाहिए ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन नेहा मैम को भी इम्प्रेस करना है, पटाना है ना, किसे मैं इम्प्रेस करूँ उनको? वहाँ जाके तू ऐसा बोल कि तू नेहा मैम से इंस्पायर हुआ है सिंगिंग में। इंस्पायर तो वो लोग इंप्रेस हो जाएंगे। हाँ, वही करूँगा मैं। नहीं नहीं, मैं आपसे ही इंस्पायर हुआ हूँ। उधर में जाके तो जीतेगा ही नहीं, विनर बनेगा। अबे साले छोटका, विनर और जीत एक ही होता है। आप लोग मेरा सिंगिंग भी देखिए, शो भी देखिए, और उसके बाद मुझे इधर में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि नेहा मैम को देखना। नहीं नहीं, मेरा सिंगिंग को आगे बढ़ाने के लिए मुझे इधर आना था। और मैं जब बकरी को चराने जाता था जंगल में, और उस टाइम में भी मैं गाना का प्रैक्टिस करता था, लेकिन अरे ओ छोटा, क्या कर रहा है तू? बकरी को घास दे रहा हूँ। वो नहीं, मेरा कान के नशे फट गए। वो क्या कर रहा था तू? वो मैं गाना गा रहा हूँ, गाना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। साले प्रैक्टिस करने के लिए तो तू दूसरी जगह जा सकता है ना, इधर में आके क्या करता है? पागल जैसा, पागल हो गया है क्या तू? तेरे बाप को बोलूंगा मैं, तू पागल हो चुका है अभी। अगर कोई नहीं करता तो मैं करता हूँ ना, इधर में एक मैं बंदा हूँ ऐसा कि मैं कुछ करूँ, ऐसा सोच के मैं कर रहा हूँ, और तुम भी ऐसा कहते हो। करना तो चाहिए, लेकिन तुझ में टैलेंट होना चाहिए ना। मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है। चला जा, तेरा टैलेंट अगर तू आज के बाद इधर में दिखा ना, तो तेरे नाम है फिर क्या करूंगा साले। और उससे डिमोटिवेट होता था मैं। नेहा मैम के लिए कभी मेरा दिल डिमोटिवेट नहीं हुआ। नहीं नहीं, नेहा मैम के लिए नहीं, सिंगिंग के लिए मेरा दिल कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ। और मैं सीखते रहा, और मैम की याद आती थी तो मैं और मोटिवेट होता था, और ऐसा ही मेरा सफ़र है। और यहाँ पर आने के लिए बहुत मैंने मेहनत भी किया है, दिन रात सो के गेम खेल के यहाँ तक आया हूँ। मैं बात, हाँ तो यही सब था मेरा कहानी, जो भी कहो बहुत अच्छा था। और एक मुश्किल थी कि वहाँ से मैं इधर में कैसे आऊँ, मेरे पास पैसे भी नहीं थे बस और ट्रेन के लिए, इसलिए अपना ही प्राइवेट हेलीकॉप्टर बुक कराया। क्या सुनाओगे आज? मैं सुनाने जा रहा हूँ पर सर, मैं अपना असली वाला गाऊं या दूसरा का? नहीं, असली। ओके, असली वाला गाता हूँ। तैयार हो आप? हाँ मैम, मैं घर से बहुत तैयार होके आया हूँ। ठीक है, चलिए। अरे मैं तो अभी आया हूँ, कहाँ चलूँ? ए और ये दिखाओ, चलो गाओ। ओ, गाना गाने के लिए? हाँ ठीक है, मैं गाता हूँ। आज पारी 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 करेंगे, आज मेरे सारे पार्टी पार्टी के साथ हूँ मैं, तो पारी करेंगे, तो पारी करे। क्या हुआ सर, आपने अपने आप को थप्पड़ क्यों मारा?
लगता है इन लोगों को मेरा गाना पसंद नहीं आया। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं दूसरा वाला गाना गाता हूँ। गाओ फिर से। मेरा भाई तू आके मेरे जेब से पैसा चुराए, मेरी बंदी के साथ थी रिलेशनशिप वो तूने माँ को बताई, माँ बाप ने मिलके मेरी करी पिटाई। अरे सर मेरे भाई की याद आ जाती तो सॉरी सर, मैं आपका भाई का याद दिलाना नहीं चाहता था। और तुम जैसा कलाकार जो उसे इस लेवल पे परफॉर्म कर जाए तो कोई कैसे रोके। आपको क्या हुआ फिर? अरे अरे सब गाते हैं। ठीक है सर, मैं दूसरा वाला गाना गाता हूँ और ये लास्ट है, इसके बाद भी अच्छा नहीं लगा तो मैं चला जाऊंगा। तेरे बिन तेरे। अरे मैम क्या हुआ फिर आपको? अरे इधर में तो सब रोते रहेंगे तो मैं कैसे गाना सुनाऊं आप लोगों को? अरे यार आप लोग रोते रहिए, मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई सिलेक्शन नहीं चाहिए इधर में। अरे अरे वो क्या कर रहे हो? अरे वापस आओ। ये क्या? हाँ हाँ मैम, गोल्डन टिकट, मैं सिलेक्ट हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू, आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग का घर में कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं है और इसलिए मैं प्राइवेट हेलीकॉप्टर में रेस्टोरेंट में जाके खाना खाता हूँ और मैं बाजार में जाके कपड़े भी खरीद नहीं सकता हूँ। ये सब भी मैंने अमेरिका जब गया था उस टाइम में लिया था 80,000 में। हम लोग का घर में पैसा रखने की जगह नहीं है। और आप लोग को मेरा गाना अच्छा लगा तो, मेरा कला अच्छा लगा तो कुछ पैसा डोनेट कर सकते हो तो कर दीजिए। मेरी तरफ से आपको 5,00,000 रुपए की भेंट देना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू, आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलता हूँ मैं, सिलेक्शन भी हो गया।